फ्लैट नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं होता है। ओके गाइस, तो प्रीवियसली मैंने बात किया सदगुरु जी के ओपिनियन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें थी अबाउट फार्मर्स, अबाउट फार्मिंग, अबाउट डेजर्टाइजेशन, अबाउट वाटर, पानी को कैसे सेव करना है, उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है रैली फॉर रिवर्स, उसके बारे में मैंने बात की थी, उसके बारे में मैंने रिएक्शन किया था, डिस्कशन किया था। वो प्रीवियस वीडियोज है, 5-6 वीडियोज है स्टेप बाय स्टेप में, वो देखिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इसी सीरीज में ये मराठी में है, आमिर खान जी यहाँ पे है, एक ABP माजा बोल के मराठी चैनल है, वहाँ पे उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया था पांडलोट क्षेत्र क्या है, किस तरह से आप डेजर्टाइजेशन ऑफ सॉइल कम कर सकते हो और पानी बचा सकते हो। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बोला है किस तरह से करना है और प्रैक्टिकल करके यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। तो ये भी स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। पहले डेजर्टाइजेशन क्या है सदगुरु जी के वीडियो में बोला है, फिर उसके बाद में फार्मर्स के सुसाइड ये सभी इशू क्यों है, किस लिए, वो प्रीवियस वीडियोज में जाके देखिए, उसमें मैंने बात की है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पानी को कैसे बचाना है, कैसे सेव करना है और उसके लिए पांडलोट क्षेत्र किस तरह से बनाया जाता है, उसके प्रैक्टिकल मॉडल यहाँ पे आमिर खान सर जी बता रहे हैं, उसको हम देखेंगे और इसमें जो कुछ बातें हैं वो आपको देख के समझ में आ ही जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एंड में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। और या यही है, आफ्टर फार्मर्स को रिस्पेक्ट कीजिए, मैंने पहले ही कहा है, फार्मिंग को रिस्पेक्ट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। डेजर्टाइजेशन क्या है उसके बारे में मैंने पहले बोला है, तो एक पूरा सेक्शन है ये अबाउट फार्मिंग एंड अबाउट वाटर सेविंग, अबाउट क्या बोल सकते हैं, पूरा इंडियन फार्मिंग से रिलेटेड ये इशू है। सो इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। ट्री प्लांटेशन क्या है, ट्री प्लांटेशन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें इसमें कवर हो जाती है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इन दिस कैटेगरी, लेट्स टॉक अबाउट पांडलोट क्षेत्र क्या है और किस तरह से किया जाता है। ये आमिर खान जी का और ABP माजा का उनका कोलैबोरेशन में पानी फाउंडेशन उनका जो है, आप जाके पानी फाउंडेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी और यूट्यूब चैनल पे ही सब कुछ देख सकते हो, बहुत सारे उनकी वीडियोस है, पानी को कैसे सेव करना है, कैसे वो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, पूरा डिटेल वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स रिएक्ट टू दिस वीडियो, किस तरह से ये किया जाएगा, किस तरह से पानी जमीन में आना चाहिए, वो बहकर समंदर में नहीं जाना चाहिए, जमीन में रहना चाहिए, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, उससे प्लांट्स बढ़ेंगे, उससे वेजिटेबल्स बढ़ेंगे, उससे फार्मिंग बढ़ेगा। ओके, सो ये सभी चीजें रिलेटेड हैं। लेट्स वॉच द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट ही वांट टू टेल टू अस, उनको क्या बताना है, देखेंगे और देखकर जानेंगे। लेट्स डू दिस। तो हर जगह इस भूमि में हर जगह आपको पानलोट मिलेंगे, तो हम एक आमिर आणि सत्यजी तसे घेऊन आले आहेत, नेमकं हे काय आहे म्हणजे इतकं प्रचंड मोठं तुम्ही घेऊन आलेले यार। ऍक्च्युअली हमने ट्रेनिंग के लिए ये दो मॉडेल बनाए थे, ये दोनों मॉडेल एकदम आइडेंटिकल हैं, डुप्लीकेट हैं एक दूसरे के, और फर्क इतना है कि ये मॉडल पे पानलोट का काम नहीं हुआ है और ये मॉडल पे पानलोट का काम जगह जगह किया हुआ है। देखिए पानलोट जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं वाटरशेड, अंग्रेजी में वाटरशेड बोलते हैं, मराठी में पानलोट बोलते हैं। आप दुनिया में कहीं पे भी देख लीजिए, जमीन जो है वो एकदम फ्लैट नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं होता है। तो हर जगह इस भूमि में हर जगह आपको पानलोट मिलेंगे। तो हम एक काल्पनिक लाइन बनाते हैं कि ये हमारा मुंह है और अब इस मुंह से जितना एरिया आपको नजर आता है, जहां से पानी बह के अंदर मुंह की तरफ आ जाता है, वो पानलोट का एरिया कहलाता है। जो एरिया जहां पे बारिश होगी और पानी इस तरफ बह जाएगा, वो पानलोट आपके पानलोट में नहीं आएगा, यहां गिरेगी बारिश वो इस तरफ चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कगार, एज, इसको रिज लाइन बोलते हैं, ये रिज लाइन है। तो हर एरिया में आप देख सकते हैं कि यहां से पानी, चाहे वो बड़ा पहाड़ हो चाहे वो छोटा सा एक स्लोप हो, यहां से पानी जो है ये अंदर की तरफ आने वाला है और अल्टीमेटली वो जो हमारे नाला है उसके मुंह तक पहुंचने वाला है। तो ये एरिया इसको बोलते हैं पानलोट का एरिया। लोकांना वाटतं की आमच्याकडे पानलोट झालं असं लोक म्हणतात, पण ऍक्च्युअली पानलोट होत नाही, पानलोट असतं, प्रत्येक गावात पानलोट असतं, पृथ्वीच्या भूगर्भातील प्रत्येक, म्हणजे भूगर्भ नाही, पृथ्वीच्या प्रत्येक कणाकणावर पानलोट असतं।
आणि हे मॉडेल बनवण्याचं एक फार मोठं उद्दिष्ट हे होतं की हे पाणलोट आपल्याला एका नजरेत संपूर्ण आपल्याला हे पाणलोट दिसतं, म्हणजे एक साधारण एक ऍव्हरेज गावाचं एक पाणलोट आपण असं बनवलेलं आहे. आणि त्याची व्याख्या हीच आहे की ज्या संपूर्ण क्षेत्राचं पाणी एका तोंडातून बाहेर वाहील ते एक पाणलोट. अब हम 4 लीटर पाणी लेंगे और पाणी को इस पे बरसाएंगे जैसे बारिश गिरती है, और हमें 3 चीज देखनी है. एक, इस जैसे पानलोट जमीन पे जिसपे काम नहीं हुआ है पानलोट का, उसमें पानी का क्या बिहेवियर है, पानी कहाँ जाता है, क्या होता है, कितना पानी बह के जाता है, कितना जमीन में जाता है, और वही चीज हम यहाँ दोहराएंगे. 4 लीटर पानी यहाँ पे भी डालेंगे और हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे कि जहाँ पानलोट का काम नहीं हुआ है वहां क्या होता है, और जहाँ पानलोट का काम हुआ है वहां क्या होता है. तो ये मैं पहले टॉप सॉइल डालता हूँ. ये पूरा डब्बा मैंने टॉप सॉइल का खाली किया है. स्टाफ स्टॉपर रेडी है आपका? हाँ, स्टार्ट. बस बस बस. कितना सेकंड हुआ? मैं डालते रहूंगा. कितना सेकंड हुआ? 7 हो गए. 7 सेकंड. तो वो 7 सेकंड वो बोर्ड पे लिखिए. पाऊस जेव्हा पडतो एखाद्या गावात त्याच हे एक प्रात्यक्षिक आहे की या पाणलोटावरती हा पाऊस पडलेला आहे. हम लोग यहां आके देख सकते हैं, ये जो थोड़ा पानी और भी आ रहा है, लेकिन आप इसमें भी ये करीबन 3 लीटर पानी है. ये बाल्टी में आप देख सकते हैं कि 3 लीटर पानी इसमें आ गया है. अब हम यही चीज इस पे दोहराएंगे. ये मैं वही मट्टी अभी इस पे डालने वाला हूं. तो यहां पे हमने अभी मट्टी डाली है, जैसे हमने उसमें एक डब्बा मट्टी डाली थी, इसमें भी एक डब्बा मट्टी डाली है. और अब ये 4 लीटर पानी जो हमने वहां डाला था, यही 4 लीटर पानी हम अभी, एक सेकंड. हाँ हाँ हाँ, मैं टाइमिंग करी हमें भूल जाता हूँ. तो आप अभी टाइमिंग करेंगे कि जब पानी गिरना शुरू हो, जब ऑन बोलेंगे तो मैं पानी शुरू करूंगा, और जब वो बाल्टी में गिरेगा. हाँ, मैं बाद में यहाँ नीचे आता हूँ. हाँ, बाल्टी में जब गिरेगा तो आपको आवाज भी आएगी. तो गिरना जब शुरू होगा तब आप रोक सकते हैं. ओके, ठीक है. आप गो बोलिए मुझे. स्टार्ट. हाँ, हा थोडक्यात पाऊस पडतोय आता इथं. हा पाऊस पुन्हा पडतोय या गावात. आणि हे गाव, याचं जे टोपोग्राफी आहे, म्हणजे याची उतार चढाव जी आहे, हे दुसऱ्या गावासारखं, म्हणजे तेच गाव आहे ते. स्टॉप कितना हुआ? 25 सेकंड. 25 सेकंड तो वहां लिखिए 25 सेकंड. पानी को कगार से मुंह तक पहुंचने के लिए 7 सेकंड लगे थे, और इसमें पानी को कगार से मुंह तक पहुंचने के लिए 25 सेकंड लगे. तो इतने छोटे इलाके में, जो 3 फुट का है, 2 फुट का है, उसमें आपको करीबन 3 गुना ज्यादा वक्त लगा पानी. कारण असं आहे की इकडे आपल्याला हे सगळे स्ट्रक्चर्स दिसत आहेत राजी, तुम्हाला सगळ्यांनाच हे दिसत आहेत की आपल्याला वरपासनं खालपर्यंत असे अनेक उपचार दिसत आहेत की ज्यामुळे पाण्याचा वेग मंदावलाय. म्हणजे किंबहुना अजूनही पाणी हे आपल्या या गॅबिनमध्ये अडकलेलं आहे, आपल्या मातीच्या नाल्याबांधमध्ये अडकलेलं आहे, आपल्या प्रत्येक स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला दिसतं पाणी अजूनही उभं आहे. और इसमें बहुत ही जो जरूरी बात है कि काम हमको माथे से शुरू करना है, ऊपर से हमको काम शुरू करना है. सबसे पहले अपन ट्रेंच से शुरू करते हैं, डीप सीसीटी भी उसको बोलते हैं. ये जो आप देख रहे हैं जो खुदा हुआ है, इसको सीसीटी बोलते हैं. ये इससे छोटा होता है, और इससे मकसद ये है कि पानी जब आ रहा है, जब बह रहा है, तो वो इसमें रुके, और फिर आगे जब ये भर जाएगा, फिर ये आगे जाके जाएगा, फिर यहाँ हर जगह पे उसको हम रोक रहे हैं. जगह जगह पे हम उसको रोक रहे हैं. यहाँ वो महत्वाची गोष्ट ही है की ह्याच्यात जेव्हा पाणी भरतं राजीव, हे पाणी
थेट भूगर्भात जात. म्हणजे या पाण्याचं बाष्पीभवनातन सुद्धा हे उडून जाण्याचं जात नाही, ते मूर्त आहे. होय, मूर्त आहे. यहाँ पे आपको नजर आएंगे ये छोटे पत्थरों के बांध है, दगड़ जे लावत होते थे. हाँ, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर किंवा एलबीएस म्हणतात. लूज बोल्डर स्ट्रक्चर एलबीएस. तो ये जो है, ये जो हम पानी जो है अपना जगह ढूंढता है, तो सालों सालों के बाद वो पानी में एक धार बनती है. तो धार को धीमा करने के लिए वो यहाँ पत्थरों का लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स बनते हैं. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. होल्ड ऑन कीजिए गाइस, स्टे ट्यून्ड. ओके, स्टार्टेड. ओके, लेट्स डू दिस गाइस. नेक्स्ट पार्ट, जिससे कि पानी धीमा हो और फिर वो आगे बढ़े, धीमा हो फिर वो आगे बढ़े. ये भी लूज बोल्डर स्ट्रक्चर है. कैबिन स्ट्रक्चर है, कैबिन स्ट्रक्चर है. आणि ही सर्व स्ट्रक्चर्स फक्त पाण्याच्या वेगाला कमी नाही करत तर माती अडवत राहतात. त्यामुळे ही जी माती वाहून गेली असती ही प्रत्येक ठिकाणी थांबवली जाते. म्हणजे या एलबीएस मध्ये आपण 3 वर्षानंतर आलो तर हे अर्ध किंवा पाऊण हे गाळाने भरलेलं असेल. म्हणजे ती माती जी खाली जाऊन आपल्या निघून जाणार होती ती ती जागच्या जागी थांबली. ऍक्च्युली उसके पहले हम यहाँ आते हैं. ये देखिए, ये मट्टी का बांध बना है. ये मट्टी का बांध बना है. मट्टी के बांध में खास बात ये होती है कि थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, जिससे कि पानी जो है जब भर जाए उसको रास्ता मिले जाने के लिए. वरना ये मट्टी का बांध जो है टूट जाएगा, फोर्स से वो टूट जाएगा. तो उसको भरने के बाद एक जगह मिल, यहाँ पे भी देखिए आप, थोड़ा आपको जगह मिलेगा. ये माटी का बांध है. और इस तरह से पानी को जगह जगह हर जगह रोक रोक के हम लोग नीचे तक ले जाते हैं. ये जो खेती है इसमें भी आप देखें कि यहाँ पे फार्म बंडिंग, ये बंडिंग हुआ है. तो यहाँ पे भी स्लोप है लेकिन यहाँ खेती हो रही है. तो खेती का पानी भी जो है वो रुक रुक के बह रहा है. तो ये सीमेंट बांध में भी आप देखेंगे कि ये जो सीमेंट बांध है ये बनाया और ऊपर से ये गैप छोड़ा है जिसमें से पानी जब एक दफा भर जाए वो जा सके. टोटली हमको रोकना नहीं है. तुडुंब भर लगे थे ओवरफ्लो. और ये बड़े बड़े डैम नहीं है, ये छोटे नालों में ये जो सीमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए यहाँ से पानी ऊपर से जा सकता है. तो ये इस तरीके से पानी को रोका जाता है. अब हम देखते हैं कि पानी कितना इसमें इकट्ठा हुआ है. ये दोन तुलनेसाठी हा आपला पहिल्या मॉडेलचं पाणी 1.5 लिटर आहे साधारणतः. पहिल्या मॉडेलचं पाणी हे आपल्याला दिसतंय की 3 लिटर पाणी हे या मॉडेलमधनं वाहून गेलं. आणि ह्या मॉडेल्स मी याचा एक काठी वापरणार आहे, म्हणजे आपल्याला साधारणपणे लक्षात येईल की हे किती गढूळ आहे हे पाणी. आता तुम्हाला लक्षात येईल याचा रंग खरा रंग. हे बघा की हे पहिल्या मॉडेलमधलं पाणी जे आहे हे पूर्णपणे माती घेत घेत अतिशय गढूळ पाणी माती सकट बाहेर निघालेलं आहे. आणि 4 लिटर पैकी 3 लिटर बाहेर निघालं. कि मैं प्लीज लिहा 3 लिटर इकडे निघाले. ऑलमोस्ट 2 लिटर, तो 2 लिटर लिखते. आणि इथे 1.75. यहाँ पे ऍक्च्युली जो यहाँ पे लूज बोल्डर आपने स्ट्रक्चर्स देखे हैं, यहाँ पे जब यहाँ पे घास आएगी आपकी मट्टी पर, जब घास आएगी, बुशेस आएंगे. बुशेस को मराठी में क्या बोलते हैं? झाड़, झुड़पं, गवत. जेव्हा याच्यामध्ये वाढेल, हाँ, तेव्हा. और जब जंगल आएंगे, जब पेड़ आएंगे, तो आपकी मट्टी भी रुकी रहेगी. एग्जैक्टली. क्योंकि ये चीजें मट्टी को रोक के रखती हैं, घास, बुशेस, ट्रीज. तो ये सब जो लूज बोल्डर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब बुशेस पैदा होना शुरू हो जाएंगी और उसको हम थोड़ा हेल्प भी कर सकते हैं, तो फिर ये स्ट्रक्चर आपका नेचर से आ जाएगा. नेचर जो है आपके पानी को धीमा करेगा. देखिए इस मॉडल में आपको एक और चीज नजर आएगी कि जमीन के नीचे का भी हमने एरिया बनाया है, तो आप पानी का लेवल देख सकते हैं. एवरेज निकाल ML फक्त निघालेले. म्हणजे 1 लिटर पेक्षा 200 ML भूगर्भात गेलं आणि 800 ML मातीत अजून अडकलेलं आहे. आणखीन एक मग आहे का? आता मॉडेल 2 मधून किती पाणी निघतंय आपण बघूया. ये पूरा जो पाणी निकल रहा है वो मतलब जमीन के नीचे भूजल में जाके कलेक्ट हुआ है, जमा हुआ है. जे वाहून गेलं नाही, जे इव्हॅपोरेट झालं नाही, जे मुरलं संपतच नाही. अरे बाप. देखिए
आप फर्क देख सकते हैं कि जहाँ पे पानलोड का काम नहीं हुआ उसमें इतना पानी गया जमीन के नीचे, और यहाँ पे जहाँ पानलोड का काम हुआ है कितना पानी इसमें कलेक्ट हो गया। तर आपल्याला कधी कधी लक्षात येत नाही की आपल्याकडे केवढं पाणी असतं, म्हणजे मी एक छोटस गणित सांगितलं तर चालेल का? हो। तर ते गणित असं आहे की आपण समजा एखाद्या गावाचं क्षेत्र 1000 हेक्टर म्हणून आपण ग्राह्य धरलं, विच इज एन एव्हरेज विलेज, आणि त्या गावात अत्यंत कमी पाऊस पडला, म्हणजे 400 मिलीमीटर समजा त्या गावात पाऊस पडला, 400 मिलीमीटर म्हणजे दुष्काळी प्रवण क्षेत्रात जेवढा पाऊस पडतो तेवढा पाऊस। तर हे थोडं गणित मी केलं, मी लिहून आणलं म्हणून मी वाचून दाखवणार, कोणी चूक व्हायला नको त्याच्याबद्दल, की त्यातनं 400 कोटी लिटर पाणी हे त्या एका गावात पडतं। केवढं? 400 कोटी लिटर। हे टँकर मध्ये आपण सांगायला गेलो तर केवढे टँकर झाले? 4 लाख टँकर। 4000 नव्हे, 40000 नव्हे, तर 4 लाख टँकर हे निव्वळ एका गावात। आता पाणी जे वाहून जातं, रन ऑफ ज्याला आपण म्हणतो, पळून गेलं ते पाणी आपल्या गावातनं, हे ऑन एव्हरेज 40% तरी जातच जात, त्याला अपधाव म्हणतात, रन ऑफ। कोकण मध्ये जास्त जातो, कोकणात 95% पाणी हे रन ऑफ मध्ये जात, प्रचंड पाऊस डोंगरावरनं प्रचंड वेगाने ते पाणी निघून जात। डोंगराळ विभागात सुद्धा याचा अपधावाचं प्रमाण खूप जास्त असतं 40%, परंतु आपण एक चला आपण कमी आकडा धरूया, तर 40% जर आपण धरलं तर या आपल्या गावामध्ये, ज्या गावाचं मी अगोदर वर्णन केलं, त्याच्यात 160 कोटी लिटर पाणी हे धावून जातं। केवढं? 160 कोटी लिटर, म्हणजे किती टँकर? 1,60,000 टँकर। बह के जा रहा है। मतलब गाव ने दे दिया, वो उसका है, गाव का है, गावाने दानशूरपणाने देऊन टाकलं। हे गाव किती देत असेल दानशूरपणाने? तर समजा आपण टँकरचा भाव 3000 रुपये प्रति टँकर आपण धरला, तर ते एक गाव, लहानस गाव, इवलस गाव, ज्याची ज्याचं क्षेत्रफळ निव्वळ 1000 हेक्टर आहे, त्यांनी 48 कोटी लिटरचं पाणी हे असंच वाहून दिलं। किती? 48 कोटी लिटर एका गावात, 1000 हेक्टरच्या गावामध्ये जर आपण जलसंधारणाचं काम केलं तर आपण 80 कोटी लिटर। बापरे, म्हणजे किती जल दूध झाल्या? कितीतरी। म्हणजे किमान मला वाटतं की म्हणजे 1000 जलदूत, लाखो जलदूत, हा, हे फक्त एक गाव वाचू शकत, छोट गाव, एक लहानस गाव वाचू शकत जर त्यांनी ही जलसंधारणाची कामं केली। आणि हाच आपला प्रयत्न आहे की प्रत्येक गावाने हे करण्यासारखं काम आहे, फार खर्चिकही नाहीये, फार टेक्नॉलॉजिकली फार कठीणही नाहीये, तर हे प्रत्येक गावाने करण्यासारखं काम। ये जो काम है इसमें आपको इंजिनियर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो जो सीमेंट का जो है वो बांध में इंजीनियर की थोड़ी आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपको, मतलब सरकार के भी लोग हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। आमिर आणि सत्य है इतकं, म्हणजे समजायला सोपं आणि अक्षरशः डोळे खाडकन उघडवणारं असं तुम्ही प्रात्यक्षिक आम्हाला दाखवलं, दोघांचे खूप आभार। आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊया, आपल्याला आणखीने काही गोष्टी यांच्याकडून जाणून घ्यायच्या, प्रत्यक्षामध्ये सगळ्यांची उत्सुकता जी आहे ती वॉटर कप कोण जिंकणार त्याच्यासाठीची तयारी, त्याच्यामध्ये खूप प्रेरणा। सो गाइज, ये मैंने पहले बात किया था, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सदगुरु जी के वीडियो में डेजर्टाइजेशन अबाउट फार्मिंग, अबाउट रिवर रैली फॉर रिवर जो उनका प्रोजेक्ट है, तो उसी सेक्शन में एड ऑन ये है पांडलोट क्षेत्र कैसे प्लान करना है। उन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं, अगर आपके सॉइल में प्लांट्स नहीं है, आपके एरिया में प्लांट्स नहीं है, तो जो बारिश से पानी गिरेगा वो सीधा बहकर चला जाएगा समंदर में, आगे चला जाएगा, और वो पानी रुकेगा नहीं, जमीन में जाएगा नहीं, उसके साथ वो जमीन के ऊपर जो कुछ टॉप सॉइल रहता है जिसको हम ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं, जो पत्ते झाड़ों से बना हुआ है जिससे जमीन सुपीक बनती है, उपज बनती है, वो सारी सॉइल वो उसके साथ बह के लेके चला जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये, रॉन्ग पॉइंट, मतलब जिससे प्रॉब्लम हो सकता है, पॉइंट ये। दूसरी बात है, पानी रुकेगा नहीं तो पानी जमीन में नहीं जाएगा, उससे जमीन का जो भूगर्भ का पानी का लेवल है वो बढ़ने वाला नहीं है। तीसरी बात,
आप इतना पानी लूज कर रहे हो, इतना पानी लूज कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, उसकी वजह से दुष्काल आएगा, उसकी वजह से नेक्स्ट टाइम फ्लड आएगा और सब कुछ प्रॉब्लमेटिक है। और जहाँ पे पांडलोट क्षेत्र के इसमें आते हैं, तो वहाँ पे प्लांट्स लगाए हैं, ऐसे बांध बनाए हैं जिससे आप पानी रोक रहे हो, जिससे वो पानी जमीन में जा रहा है, उससे भूगर्भ पातली जो बोलते हैं मराठी में वो बढ़ रहा है, वाटर लेवल सॉइल में बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली पानी वहाँ पे रुकेगा, पानी रुकेगा तो सॉइल वहाँ पे रुकेगा, सॉइल रुकेगा तो ऑटोमेटिकली जो सॉइल है वो फर्टाइल बनेगी, उसमें अच्छे वेजिटेबल प्लांट्स आएंगे, उसमें अच्छे फ्रूट्स आएंगे, सिंपल एज दैट, सॉइल फर्टाइल बन जाएगी। तो ये है पांडलोट क्षेत्र और ड्राइड ड्राउट का जो क्षेत्र है उसमें डिफरेंस इन्होंने बताया। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत बहुत अच्छा वीडियो है, इसको मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, आप देखिए बार 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 समझने की कोशिश कीजिए। एंड गाइज प्लीज़ प्लीज़ डू ट्री प्लांटेशन आपके एरिया में, एनिमल्स को सेव कीजिए, एंड या सेव द अर्थ, मेक दिस अर्थ ग्रीन, एंड थैंक्स लॉट फॉर पानी फाउंडेशन फॉर दिस वीडियो। एंड या गाइज आपके कमेंट मुझे बताइए, आपको जो कुछ ऐड करना है वो ऐड कीजिए, एंड या लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस। Thank you. Thanks for watching. Have a nice day. Have a great day. Peace.